सभी को नमस्कार करती हूँ। आज हम कर रहे हैं वाक चैप्टर। मुझे कई स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम वाक करवा दीजिए, तो वाक की हम बात करते हैं। ये जो पाठ है या कविता है, काव्य संग्रह जो है, कश्मीरी कवयित्री ललित दत्त के द्वारा लिखा गया है, जिसमें मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता को बताया है। क्षणभंगुरता क्या होती है कि मनुष्य का जीवन क्षणिक तो होता है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। मुख्य जो इसका विषय है वो यही है। इस कवयित्री के कव्य का यहाँ पर जो हम वाक की यदि बात कर रहे हैं, तो वो कहती है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। वो कहती है कि मानव जीवन कच्चे धागे के समान है। जिस प्रकार से कच्चा धागा होता है, सूत का धागा होता है, कभी भी टूट सकता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। कवयित्री यह मानती है, ये कवयित्री के विचार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। फिर वह मानव जीवन की तुलना एक कच्चे सिकोरे से भी करती है। मिट्टी का जो सिकोरा होता है, जो बर्तन होता है मिट्टी का, या जिसमें हम अपना कुछ सामान रखते हैं, बाउल टाइप का सिकोरा जो होता है, उसकी बात कर रही है। फिर उससे तुलना करती है कि मनुष्य जीवन कच्ची मिट्टी जिसे पकाया नहीं गया हो, यानी थोड़ा सा भी अगर हम उसे छू देंगे तो मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, मनुष्य जीवन वैसा ही है। दूसरे पद में कवित्री यहाँ पे कहती है कि अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करने पर वह बल देती है, और कहती है कि यदि हम अपनी इंद्रियों पर वश कर लेते हैं, हमारी सेंसेस जो है उनको कंट्रोल में कर लेते हैं, तो हम हमारे मानव जीवन का भले भांति कल्याण कर सकते हैं। और तीसरे पद में कवित्री ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए हठ योग। हठ योग क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। हठ योग होता है हमारे शरीर को कष्ट दे करके की गई तपस्या। तो कवित्री कहती है कि हम हठ योग करेंगे तो हठ योग जैसी भक्ति पद्धति की अपेक्षा सहज और स्वाभाविक भक्ति पद्धति पर, वे कहती हैं, उस पर हमारा बल होना चाहिए। हठ योग होता है तपस्या करना। यहाँ पर वे कहती है कि तपस्या से हमें नहीं ईश्वर मिलेंगे। दो तरह के विचार होते हैं जो भक्त कवि होते हैं ना, उनके दो तरह के विचार होते हैं। एक लोग मानते हैं कि हठ योग करना चाहिए, दूसरे प्रकार के लोग मानते हैं कि सरल भक्ति से भी हमें ईश्वर प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कवयित्री जो स्वाभाविक भक्ति की पद्धति है उस पर बल देती हैं, और कहती हैं कि उससे भी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फिर अंतिम जो इनका पद है, मैं यहाँ पर सारांश आपको पहले बता रही हूँ, फिर हम हर स्टेंजा की व्याख्या भी करेंगे। तो अंतिम पद में लदद्य ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। सर्वव्यापकता क्या होती है? सर्वव्यापकता ये होती है कि ईश्वर जो है सारे संसार में हर स्थान पर विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में वह विद्यमान है, और हर कण में, कण कण में ईश्वर का वास है। और उसके उसकी दृष्टि में, कवयित्री की दृष्टि में, हिंदू और मुसलमान का कोई भी भेदभाव नहीं है। वह कहती है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, हमें एक ही ईश्वर ने जन्म दिया है, वो हमारे पिता हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। आत्मज्ञान से, अब वर्ड आता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से हम ईश्वर को पहचान सकते हैं, खुद को भी पहचान सकते हैं। आत्मज्ञान किसे कहेंगे? आत्मज्ञान होता है मैं स्वयं का, भीतर जो ईश्वर विद्यमान है उसका हमें ज्ञान लेना होगा। और यहाँ पर मानव जीवन से इस कवयित्री का सारा जो ये इस कविता का टॉपिक है वो सब जुड़ा हुआ है। तो इसमें पहला हम पद कर रहे हैं, उसके मैं आपको कठिन शब्दों के मीनिंग भी बता रही हूँ। तो पहला पद क्या है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। क्या कहती है यहाँ पर कि मैं जिससे अपनी नाव को खींच रही हूं वो बहुत ही कच्चे धागे की रस्सी है, यानी जीवन की मेरी जो नैया है ना, उसे मैं कच्चे धागे से खींच रही हूं। और कच्चा धागा कैसा होता है? बिल्कुल कमजोर होता है। वे कहती है कि मेरे पास इसको आगे ले जाने के जो साधन है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, यानी कि मेरी डोर बिल्कुल कमजोर है। फिर वो क्या कहती है? कहती है कि ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। कि मेरे देवता पता नहीं मेरी आवाज कब सुनेंगे, मुझे इस भव सागर से, संसार सागर से कब पार करेंगे, ये मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी आवाज कब सुनी जाएगी। फिर कहती है पानी टपके कच्चे सिकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे।
फिर वो कहती है कि मेरा जीवन जो है मिट्टी के सकोरे के समान है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, जो नष्ट हो जाएगा, और उसमें लगातार पानी गिर रहा है, यानी कि वो बिल्कुल पिंगल, मिट्टी पिंगल जाती है पानी गिरने से, कच्ची मिट्टी आपने देखी होगी। तो वह कह रही है कि मेरा जीवन तो वैसा ही हो गया है, जितनी भी मैं कोशिश कर रही हूँ वो सभी बेकार जा रही है मेरी कोशिशें, है ना। तो यहाँ पर देखो, फिर वो कह रही है कि जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। खुद का घर उसने कहाँ बताया है, ईश्वर के पास। कहती है कि मेरे मन में हूक उठ रही है कि मैं कब अपने घर चली जाऊंगी, मुझे बार बार अपने घर की याद आ रही है, और वह चाह जो है मेरे घर घर जाने की, मेरी इच्छा जो है उसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे की का मतलब होता है कमजोर सहारा, तात्पर्य मैं आपको बता रही हूँ कठिन वर्ड्स का। नाव होती है जीवन रूपी नाव, कवित्री क्या कहती है, मैं अपने जीवन की नाव को कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ जो बिल्कुल ही कमजोर है। भवसागर किसे कहते हैं, भवसागर कहते हैं संसार रूपी सागर को, यानी तुलना करी है समुद्र से, तुलना करी है जीवन की। और सकोरा होता है मिट्टी का बना हुआ एक छोटा कटोरा, हुक होती है पीड़ा, एक पीड़ उठती है उसके हृदय में कि कब मेरे को घर जाने को मिलेगा। सेकंड में हम वो कहती है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। कहती है कि आप कुछ खाते रहोगे हमेशा, है ना, सांसारिक जीवन को भोगते रहोगे। खाने का मतलब यहाँ पर क्या है, हमेशा सांसारिक सुखों को भोगते रहोगे, धन इकट्ठा करते रहोगे, तो क्या होगा, कुछ भी मिलेगा नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और यदि सांसारिक वस्तुओं को, धन दौलत को इकट्ठा करोगे तो अहंकार हो जाएगा, घमंड आ जाएगा हमारे भीतर, तो दोनों ही चीज़ें सही नहीं हैं। तो सांसारिक सुखों को भोगना, धन दौलत को इकट्ठा करना, ये सब क्या है, मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। फिर वे कहते हैं कि समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार। कहते हैं कि बीच का रास्ता अपनाइए, यानी सभी जो सांसारिक साधन है उनके प्रति आपका एक भाव होना चाहिए, समभाव, तभी मनुष्य संभावी बन सकता है, उसकी चेतना का विकास होगा। चेतना यानी उसके दिमाग में जो चैतन्यता है उसका विकास होगा, उसकी मुक्ति भी होगी, संसार के चक्र से उसकी मुक्ति हो जाएगी, और मोह माया का जो बंधन है ना अधिक धन इकट्ठा करने का, वह भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं, जैसे संभावी यानी समानता की भावना, और अहंकार यानी घमंडी। तीसरा पद है आई सीधी राय से कई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। अजेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को तू क्या उतराई। तो यहाँ पर कहती है कि प्राणी इस संसार में सीधे मार्ग से आता है, और जब उसके मन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती, उसका मन शुद्ध होता है, लेकिन जब वो जीवन में प्रवेश कर जाता है, बाद में संसार की बुराइयाँ उसके भीतर आ जाती हैं। फिर कहती है कि मैं हठयोग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सारा जीवन बीत गया फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। उसके बाद मैंने देखा अपनी जेब टटोली, तो पता चला कि मेरे पास गुरु को देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना, गुरु ईश्वर या नाविक जो मेरा रास्ता दिखाता है उसे देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कहने का तात्पर्य है मनुष्य इस संसार से अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाता है, खाली हाथ वह जाता है, खाली हाथ ही आया है, इसलिए संसार के लोभ लोभ लालच में उसे नहीं आना चाहिए। चौथे पद में कवियत्री क्या कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर हर स्थान पर व्याप्त है, हर स्थान पर रहते हैं, और हर प्राणी के मन में उनका निवास है, हिंदू मुसलमान का ईश्वर अलग अलग नहीं है। तो वो कहती हैं कि ईश्वर को लेकर के हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए,
खुद की आत्मा को हमें पहचानना चाहिए और यही पहचान ही ईश्वर की पहचान हो सकती है। यह जो पद है वाक् शैली में लिखे गए हैं और यहाँ पर थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर रिपीटेशन जो हो रहा है ना थल थल में, और शब्द चयन जो है बहुत अच्छा है, विषय के अनुकूल है। यहाँ पर कवियत्री क्या करती है, ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताती है, यानी कि ईश्वर संसार में हर स्थान पर विद्यमान है। थल में, जल में, हर तीर्थ में ईश्वर विद्यमान है। आज के हमने चारों वाक यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं और इसके कुछ कठिन शब्दों का भी हमने अर्थ देखा, जिसमें हमने शुरू में इसका सारांश देखा। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर भी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो मुझे वहाँ पर मैसेज में बता सकते हो। मेरा नंबर है 87083-89546। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन मुझे काम के ही आप SMS दीजिएगा, क्योंकि मैं सबके SMS नहीं पढ़ पाऊँगी स्टूडेंट्स। और मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसा वैसा SMS मत भेजना, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ और आप ही के लिए हम काम कर रहे हैं। और कुछ समय पहले आपने देखा भी था मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं लेक्चर नहीं बना पाई थी। आपको फिर भी जो पढ़ना है, मेरी जितनी भी आप तो मेरी तरफ से जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकती हूँ मैं आपको हमेशा पढ़ाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।